महंगाई से परेशान आम आदमी की जेब पर एक और हमला। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर हुआ मजीद 25 रुपए महंगा। हैदराबाद में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 871 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकज और रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू और दीगर सियासी कायदीन ने लिया कोविड का टीका। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल, कोविशील्ड वैक्सीन के 64 साल वाले अफराद पर कैसे होते हैं असर, पीएम करे वजाहत। तेलंगाना में नहीं है कोरोना की दूसरी लहर, कोविड वैक्सीनेशन सभी के लिए महफूज। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने वैक्सीन लेने के बाद किया मीडिया से खिताब। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव और केटीआर के दरमियान ट्वीट वॉर। रामचंद्र राव के सवाल पर केटीआर ने एनडीए का मतलब बताया, नो डेटा अवेलेबल। बच्चों को नमाज की जानिब रागिब करने मस्जिद इब्राहिमी खादर बाग में हुआ प्रोग्राम। 40 दिनों तक नमाज पंजगाना अदा करने वाले बच्चों में असदुद्दीन ओवैसी ने की साइकिलों की तकसीम।